सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज चौमेला। आज हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करनी है और कब से स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे, सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी को पढ़े क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि ज्योग्राफी को पढ़ा जाए, ठीक है। दूसरा रहेगा इसको कैसे पढ़ें, तीसरा कब से पढ़ने स्टार्ट करें और किन किन बुक से या किन रेफरेंस से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि भूगोल को पढ़ने की जरूरत क्यों है। भूगोल को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हमको हर क्षेत्र में कहीं कहीं किसी किसी तरह से किसी प्रदेश की ज्योग्राफी को जानने की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रशासन में जाते हैं तो प्रशासनिक लोगों को वहां की स्थलाकृतियां, वहां की जलवायु, वहां की डेमोग्राफिक, वहां की संस्कृति, वहां का सोसाइटी, उसके बारे में जानेंगे तो उनकी समस्याओं का सोल्यूशन अच्छे से किया जा सकता है। ये तो हो गया इसका प्रशासनिक में, प्रशासनिक में जाने के लिए भी इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा हमें अगर अदर कंपटीशन में जाना है या फिर हमें अकेडमिक क्षेत्र में जाना है तो ज्योग्राफी काफी अच्छा सब्जेक्ट है और इसके द्वारा आप नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, अर्बन प्लानिंग में जा सकते हो, रूरल प्लानिंग में जा सकते हो, आजकल रिमोट सेंसिंग का एक अलग से एरिया आया है उसमें जा सकते हो, मेट्रोलॉजी में जा सकते हो, सांख्यिकी में जा सकते हो। ये अलग अलग ब्रांचेज है जिससे आप अलग अलग, अगर स्पेशलाइजेशन होगा आपका, अगर आपकी विषय विशेषज्ञता होगी तो आप किसी अन्य क्षेत्र में भी जा सकते हो, सांख्यिकी में बन सकते हो और इसके अलावा पॉपुलेशन के डाटा के लिए प्लानिंग करते हैं उसमें बन सकते हो, या एक नीतिकार बन सकते हो, या फिर रिसर्च कर सकते हो। आप ज्योग्राफी पर किसी भी क्षेत्र को लेकर रिसर्च कर सकते हो। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में है, ठीक है। तो हमको ज्योग्राफी को पढ़ना अकेडमिक और प्रतियोगिता परीक्षाओं के हिसाब से दोनों के लिए आवश्यकता कैसे पढ़नी है वो आपको मैं लगातार पढ़ना बताता रहूंगा। कब पढ़नी है, या तो आप सिक्स क्लास से पढ़ रहे हो एनसीईआरटी तब से आप ज्योग्राफी पे जोर देंगे, लेकिन सिक्स क्लास में आपको पता नहीं होता है, इसलिए जब भी आप ग्रेजुएशन लेवल पर आओ तो ज्योग्राफी को पढ़ना समझना स्टार्ट कर देना चाहिए। कहां से पढ़ना ये मैं आपको लगातार बताता रहूंगा, ठीक है। जो आज हम चर्चा करेंगे वो मेन चर्चा का बिंदु हमारा ये रहेगा कि ज्योग्राफी में कौन कौन सी ब्रांचेज है, ठीक है। इससे पहले मैं बताऊंगा कि अकेडमिक ज्योग्राफी को दो तरीके से देख सकते हैं, एक अकेडमिक लेवल से और दूसरा कंपटीशन की एग्जाम से। अकेडमिक में यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी और नेट जीआरएफ, इसके बाद जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी यूपीएससी और पीसीएस। तो इन दोनों चीजों को लेके, अकेडमिक और प्रतियोगिता कंपटीशन की जो एग्जाम है उनको लेके हम साथ लेके चलेंगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं उसमें कहीं कहीं ज्योग्राफी का परसेंट बढ़ता जा रहा लगातार, ठीक है। तो हमें ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए बढ़ती जा रही है कि हर साल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और करंट को जोड़कर लगभग 20% हर एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे यूजी लेवल के होते हैं, इसलिए हमें यूजी लेवल की जो बुक्स है उनका रेफरेंस भी लेना है, और कुछ टॉपिक्स हैं जो पीजी लेवल के आते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ करंट केस में सिर्फ न्यूज़पेपर से हमको करने। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सब तो बाद की बात है, आपको चार पिलर हैं वो मेरे हिसाब से आपको याद रखने चाहिए, अपने दिमाग में सेट करो। सबसे पहला एक रूटीन बनाओ आप अपना, सबसे पहले आपको अपने आप को एक रूटीन बनाना है। अगर आप रूटीन बना लोगे फिक्स, भाई मुझे आज 4 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, चलो 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि मुझे रोज कम से कम 2 घंटा पढ़ना है, 5 घंटे मुझे फिक्स पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे घर में कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, 4 घंटे मुझे पढ़ना है। सबसे पहले रूटीन, अपनी दिनचर्या फिक्स करें। उसके बाद में जिस भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको एक सिलेबस होगा, सिलेबस को आप देखें, बिना सिलेबस के किसी भी तरह से आप तैयारी नहीं करें। विदाउट सिलेबस तैयारी करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूजीपीजी की एग्जाम दे रहे हो, तो आपको एक सिलेबस आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। सिलेबस लेके सबसे पहले सिलेबस को देखो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन तक लगातार आप अपने सिलेबस को आत्मसात करें। बिना सिलेबस के आत्मसात करें आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि हथियार अपने पास होने चाहिए, युद्ध से पहले हथियार होना चाहिए। आजकल कंपटीशन का जमाना है, युद्ध की तरह ही इसको लेंगे। युद्ध में जाने से पहले अपने आप को कितनी तैयारी करनी पड़ती है, उसी तरह से अपने आप को इस कंपटीशन के दौर में सरवाइव करने के लिए सिलेबस, जो अपना सिलेबस है वो हथियार है। अगर आपको सिलेबस याद है, आत्मसात है, तो आप पढ़ाई का डायरेक्शन आपका अच्छा हो सकता है। पहली बात, अपना एक दिनचर्या बनाएं। दूसरी बात, सिलेबस। तीसरी बात, अब से पहले जो एग्जाम का पैटर्न रहा है, मतलब ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को आप अपने दिमाग में रखें कि अब से पहले जो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पेपर आया है, उनको आप लगातार देखते रहें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे कि बुक्स की लिस्ट बना लो, फिक्स भाई ये बुक मुझे पढ़नी है। बार बार बुक्स चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया, जो मानक किताबें हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसको आप फिक्स कर लो, उन्हीं को आपको पढ़ना है। इसके अलावा दूसरी जो बुक्स है वो नहीं देखनी है। ऐसा नहीं है कि आज हमने ज्योग्राफी की ये बुक बदल ली, दूसरे दिन दूसरी बदल ली, ऐसा नहीं है। चेंज नहीं करना है, अपने आप को स्थायी रखना है। फिक्स कर लिया कि हमें ये बुक पढ़नी है, इसका मतलब वो ही बुक पढ़नी है, बराबर लगातार कम टाइम में हमको चेंज नहीं करनी। अगर कुछ चेंज करना है तो उन्हीं बुकों में अपने आप की जो जानकारी है उसको अपडेट करो, जो नॉलेज है उसको अद्यतन करो, अपडेट करो, ठीक है। ये हमारा रहेगा तीसरा पिलर। इसके बाद में जो लास्ट है, जो भी पढ़ो वो करंट को जोड़ के पढ़ो। न्यूज़पेपर के बिना आजकल आप ना ज्योग्राफी पढ़ पाओगे, ना हिस्ट्री पढ़ पाओगे, या पॉलिटिकल पढ़ पाओगे। सबको आपको सभी सब्जेक्टों को आपको न्यूज़पेपर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको पांच चार पिलर हैं, तो चार पिलर को आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला जो पिलर होगा वो हो गया दिनचर्या, ठीक है। इसके बाद में आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। इसके बाद में आपका प्रश्न पत्र और बुकलिस्ट। बुकलिस्ट एक बार जो फिक्स कर लिया वो कर लिया, इसके बाद में कोई चेंज नहीं करना है। और इसके बाद में लास्ट न्यूज़पेपर। ये जो पांच पिलर रहेंगे, ये पांच पिलर अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इसके अलावा हमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। पढ़ाने से पहले इन पांचों जो पिलर्स है इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अभी मैं आपको बता देता हूं, जब हम ज्योग्राफी में जो चीजें पढ़ेंगे उनका एक भारी प्रतिरूप ब्लूप्रिंट मैं आपको बता देता हूं। हम ज्योग्राफी को लगभग पांच ब्रांचेजों में डिवाइड करेंगे। जो पहली ब्रांच होगी वो होगा हमारा सामान्य भूगोल, ठीक है। अब सामान्य भूगोल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सामान्य भूगोल से लगातार क्वेश्चन बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इसमें आगे क्या क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले सामान्य भूगोल पढ़ेंगे, फिर भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, फिर मानव भूगोल पढ़ेंगे, फिर प्रादेशिक भूगोल, और लास्ट में मानचित्र भूगोल। मानचित्र भूगोल को हम जो भी ये भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे, इनमें हम इसको व्यवहार में लेते रहेंगे। इसलिए मानचित्र की क्लास हर क्लास में लगभग पांच मिनट की क्लास आपके लिए रोज लेंगे, जिससे आपका मानचित्र में इंटरेस्ट आता रहे। एक मानचित्र लगभग एक किताब के बगैर मान बराबर हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, सामान्य भूगोल होगा, सामान्य भूगोल में ब्रह्मांड पढ़ेंगे, आकाशगंगा, तारे, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापात, ठीक है। इसके बाद में भौतिक भूगोल में जो धरातल पर स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और पर्यावरण, ठीक है। भौतिक भूगोल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। जो आधारभूत संकल्पना है, जो आधारभूत कंसेप्ट है, वो हमारे भौतिक भूगोल से ही निकल के आते हैं। कुछ लोग तो भौतिक भूगोल को ही मुख्य भूगोल मानते हैं, बाकी प्रादेशिक भूगोल, सामान्य भूगोल और मानचित्र भूगोल इसको भूगोल नहीं मानते। इसलिए जो भी कंसेप्ट बनेंगे सारे के सारे स्थलमंडल, सॉरी भौतिक भूगोल से ही बनेंगे। इसमें स्पेशली
स्थलमंडल पे क्या होगा, स्थलमंडल का मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान। स्थलमंडल का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान में करेंगे, वायुमंडल का अध्ययन हम क्लाइमेटोलॉजी में करेंगे, जलमंडल का अध्ययन हम ओशनोग्राफी में करेंगे, जैवमंडल का अध्ययन हम बायोजोग्राफी में करेंगे, और पर्यावरण आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण में बहुत सारा इश्यू करंट का जुड़ा हुआ है, इसलिए हम करंट में बात करेंगे। इसके बाद में मानव भूगोल देखेंगे, मानव भूगोल में आर्थिक में भी क्या क्या हो सकता है वो आपको देखना पड़ेगा, कृषि उद्योग, कृषि उद्योग और सेवा, ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में जनसंख्या, डेमोग्राफी कैसी है, बस्ती में भी दो प्रकार होगा, ग्राम की बस्ती और नगरीय बस्ती, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। इसके बाद सांस्कृतिक भूगोल होगी, सांस्कृतिक भूगोल में सामाजिक भूगोल हो सकती है, राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें एक निर्वाचन ज्योग्राफी होगा, अलग से पर्यटन ज्योग्राफी होगा। मानव भूगोल में जो नवीन फैक्टर्स बढ़े हैं, डिफेंस ज्योग्राफी हो सकता है, जितने भी सांस्कृतिक तत्व या मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए जो कारक हैं उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करेंगे। ये सभी ब्रांचेज हैं वो नवीनतम ब्रांचेज हैं, और नवीनतम ब्रांचेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक नया जो टॉपिक्स में मान के चलता हूं, प्रादेशिक भूगोल, वैसे तो प्रादेशिक भूगोल अलग होती है, लेकिन मैंने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को मिश्रण करने के लिए मैंने विश्व भूगोल को, प्रादेशिक विश्व भूगोल को, भारत भूगोल को और राजस्थान भूगोल को, इन तीनों को मिक्स करके प्रादेशिक भूगोल में डाला। इनको हम अलग से वो करेंगे क्योंकि ये सभी कंपटीशन के एग्जाम में स्पेशल रूप से आते हैं। इन सब का, विश्व का, भारत का और राजस्थान का जो भूगोल होगा उनको हम इनके आधारों पर पढ़ेंगे। भारत का स्थलमंडल, भारत का वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण, राजस्थान का, विश्व का, सबका इनको इनके आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में है हमारा मानचित्र, मानचित्र को ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक करेंगे क्योंकि मानचित्र के बिना ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, अभी इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे इसमें कुछ चीजों को इनको रिपीट करेंगे, फिर हम सामान्य भूगोल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।